हेलो बच्चों मेरा नाम है अभिनव पाठक और मैं लेकर आया हूं आपके पास क्लास ट्वेल्थ का अगला वन शॉट जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन तो आज बेसिकली हम लोग लीनियर प्रोग्रामन का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही आसान चैप्टर है ट्वेल्थ का सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर जिसे बोलते हैं वो चैप्टर है ये और बहुत मज़ेदार चैप्टर है मतलब कि आसान भी है और एक बार में ही वन शॉट के माध्यम से ही पूरे चैप्टर का रिविज़न हो जाएगा ये गारंटी है मतलब कि आपने अगर कभी भी अगर इस चैप्टर को तुमने नहीं पढ़ा होगा कि मतलब एक बार भी ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा है लेकिन अगर आप ये वन शॉट पूरा कंप्लीट कर लेते हो ध्यान से एकदम जो मैंने बताया है सुन लेते हो कायदे से तो आपके जो भी क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर लोगे इस चैप्टर से जो भी आएंगे क्योंकि इस पर ज़्यादा वेराइटीज़ आप क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन की वेराइटीज़ कम है और इम्पॉर्टेंट इसलिए देखो एक बात समझो इम्पोर्टेंस इसलिए है कि इसका स्कोरिंग चैप्टर है ही मतलब एक क्वेश्चन आना है पांच नंबर में आना है और आना ही वो कंफर्म है तो पांच नंबर का एक क्वेश्चन इससे आना ही है किसी किसी सेट में ऐसा भी हो जाता है कि अथवा में दो क्वेश्चन लगे होंगे और दोनों इसी चैप्टर के होंगे तो अगर दोनों इसी चैप्टर के क्वेश्चन हुए तो हमें ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा तभी हम पूरा पेपर अटेंड कर पाएंगे तो बेसिक बात इंपॉर्टेंट बात यह कि इसका हमें क्वेश्चन रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि सिंगल आ जाए तो मान लो हो सकता है कि ना जरूरत पड़े लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि अथवा में ही दोनों क्वेश्चन इसी चैप्टर के होंगे तो एक तो अटेंड करना ही पड़ेगा तो और आसान भी हौसा कोई को दिक्कत नहीं है कि आप अटेंड नहीं कर सकते हो आराम से अटेंड कर सकते हो तो बहुत आसान चैप्टर है इलेवंथ के रैखी का शमिकाएँ जैसे पढ़ी थी सेम डिटो चैप्टर चलेगा लास्ट की सिर्फ एक स्टेप बदलती है उसी स्टेप में इसका आंसर आ जाता है बस वहां तक का काम हमें करना ही है तो मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के पहले तो कुछ पार्ट इलेवंथ का मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं ताकि एक थोड़ा रिदम बन जाए जिसको आता है बहुत अच्छी बात है साथ साथ वो करता रहेगा बाकी जिसको नहीं आता है वो पूरा सीख जाएगा ये गारंटी है ठीक है तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं फिर हम लोग रैखिक प्रोग्रामन की बात करेंगे रैखिक प्रोग्रामन में एक ही टॉपिक पर क्वेश्चन बनता है बेसिकली रैखिक प्रोग्रामन की समस्याओं का समस्याओं को हल करने की जो आलेखी विधि है इसी पर तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे जो भी क्वेश्चन होंगे इसी टॉपिक पर तुम्हें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं पहले छोटी सी बेसिक सी बात कर लेते हैं छोटा सा बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा हमारी रिदम में आ जाए हमारे पास कि क्या है समीकरण के बारे में जानती है कि जब किसी बीजी व्यंजक को हम इक्वल के चिन्ह के साथ जोड़ देते हैं बराबर के चिन्ह के साथ उसे ही हम समीकरण बोलते हैं समीकरण की अगर हम बात करें ये हम लोग नाइन से पढ़ते आ रहे दोनों में अंतर भी इलेवंथ में हमने कि हमारे पास जैसे हमने ये लिख दिया टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव आप समीकरण पहचानने का सबसे बेसिक तरीका क्या था इक्वल टू का साइन जब भी किसी बीजी व्यंजक के बीच में बीजी व्यंजक का मतलब क्या है बोल रहे हैं बीजी व्यंजक मतलब ये होता है एक्स वाई जहां चर है दो तीन अचर है तो चर अचर के संयोग से जब कोई हम यहाँ पर एक बहुपत टाइप का हमने लिख दिया है चर अचर के संयोग से एक जो जोड़ गुणा भाग करके हम लिख देते हैं तो इक्वल टू के तो चिन्ह के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम समीकरण बोलते हैं अब बस इसी इक्वल टू के साइन को हटाकर जब हम बेसिकली लेस इक्वल टू या ग्रेटर टू या लेस देन या इक्वल टू इन चार चिन्हों के माध्यम से जब भी हम किसी इक्वल टू को साइन को हटाकर इन चार चिन्हों में किसी भी एक चिन्ह को लगा देते हैं उसे ही हम बेसिकली असमिकाएं बोलते हैं उन्हें ही हम असमिकाएं बोलते हैं रैखिक शब्द का मतलब लीनियर है मतलब घात एक होगी और कोई मतलब नहीं है कि यहां पर भी घात एक है यहां पर भी घात एक है तो इसको असमिकाओं के रूप में कैसे लिख सकते हो आप इन चारों में से कोई भी एक चिन्ह ले लो आप इस चिन्ह को अगर लगा देते हो तो बेसिकली ये रैखिक असमिका हो जाती है

अगर हम ये लिख दें एक्स ग्रेटर देन इसका मतलब क्या हो गया कि x का जो मान है वो दो से बड़ा है हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितना है. यहां पे हमें पता है कि बराबर दो है एग्जैक्टली मान दो है लेकिन x ग्रेटर दो लिखने का मतलब क्या है कि x का मान दो से बड़ा है लेकिन कितना बड़ा ये हमें नहीं पता यही बेसिक अंतर है इनकी अशमिका और समीकरण में जो हमने बेसिक अंतर देख लिया ठीक है तो रेखा शमिकाओं क्या होंगी जिसमें असमिका की घात हमेशा एक होगी या यामिका की घात हमेशा एक होगी उसी को रैखिक बोलेंगे असमिकाओं का मतलब होगा इन चिन्हों के माध्यम से जुड़ी हुई हमारे पास कोई यहां पर इक्वल टू की जिंदगी जगह जब ये चार कोई चिन्ह लगे होंगे तो वहां पर हम इसे रैखिक असमिका बोलेंगे बेसिक बात इतनी हो गई इस पर एक क्वेश्चन करेंगे कि इसका आलेखी विधि इसका आलेख कैसे बनाते हैं किसी रेखिक शमिका का जैसे इलेवंथ में ये क्वेश्चन रहता था मैं एक क्वेश्चन इलेवंथ का करा देता हूं फिर अपने पास जो क्वेश्चंस हैं वो ट्वेल्थ के हैं और उसमें भी असमिकाओं की ही बात की गई ये भी रेखा असमिकाएं लिखी है आगे और क्वेश्चन ये सब रेखा शमिकाओं के ही हमें ग्राफ बनाने बेसिकली हमें सीखना यही यहाँ पर है कि रेखिका श्रमिकाओं के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं वो मैं एक क्वेश्चन बेसिक सा करा देता हूँ एक हमने रेखिका शमिका ले रखी इसका अलेखी विधि द्वारा हमें हल ज्ञात करना है इसका ग्राफी विधि से हल देख लेते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे ट्वेल्थ का पार्ट तो कैसे करना होता है बेसिक बात अगर समझे इसको हटा लेते हैं यहां तक बात क्लियर है ना बेसिक सी बात अभी हमने सीखी कोई ज्यादा खास बात नहीं थी मैक्सिमम लोगों को पता भी होगी कि हमारे पास क्या होती है रेखी का शमिका है अब इसका हल कैसे ज्ञात करते हैं जैसे कोई भी रेखी का शमीका दे दी जाए तो इसका हल कैसे ज्ञात करते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसमें कुछ स्टेप्स हैं कुछ चरण हैं उन चरणों में ही हम क्या करते हैं एक एक स्टेप बाई स ही इसका सोल्यूशन निकालते हैं पहली स्टेप इसकी क्या है पहली स्टेप अगर तुम देखोगे तो पहली स्टेप में आप क्या करते हो जो भी रेखी का श्रमिका दी गई है तुम्हारे पास जो भी रेखी का श्रमिका दी गई है इसको आप क्या करो जैसे एक्स प्लस टू वाई यहां पे क्या लगा ग्रेटर देन जो भी असमिका का चिन्ह लगा उसको हटाकर उसको इक्वल टू चिन्ह लगा दो मतलब रैखिक असमिका को समीकरण में बदल लो क्योंकि समीकरण का हमें ग्राफ बनाना आता है हम हाँ वही करेंगे पहले असमिका का चिन्ह जो होता है उसको बदलकर आप इक्वल टू का चिन्ह लगा लो पहली स्टेप में क्या करोगे जो भी यहां पर चिन्ह होगा उसको इक्वल टू का चिन्ह से लगा लिया फिर आप क्या करते आप यस का कोई मान रख के वाई का मान निकालेंगे ऐसे वाई का कोई मान रख के एक्स का मान निकालेंगे हमें निर्देशांक तल पर क्या करना है इस समीकरण को निरूपित करना है इस समीकरण का ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने की सबसे बेसिक ट्रिक जो है जो हम नाइन्थ क्लास से सीख रहे हैं जैसे हमने में भी सीखी थी दो चर वाले रैखिक समीकरण जहां हमने पढ़े थे कि वहां पर हम क्या करते थे एक्स का कोई मान रखते थे ऐसे वाई का मान मिल जाता था एक पॉइंट मिल जाएगा ऐसे वाई का मान रखेंगे एक्स का मान मिल जाएगा तो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा जब दो पॉइंट मिल जाएंगे दोनों को निर्देशांक तल एक्स वाई तल पर रख के मिला देंगे वही उसका ग्राफ होता है बेसिक बात यह तो यहां पर क्या करते हैं हमने मान लो एक्स बराबर जीरो रखा तो वाई बराबर हमारे पास क्या मिल गया एक्स बराबर जीरो रखने पर वाई की वैल्यू वन वाई बराबर अगर जीरो रखा तो एक्स बराबर दो हमें यहां से दो पॉइंट मिल गए कौन कौन से एक पॉइंट मिल गया जीरो के रूप में लिखते हैं दो कॉमा दो कॉमा जीरो मिल गया ठीक ये दो पॉइंट मिल गए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी को लगे सर एक्स बराबर जीरो कहां से आया वाई बराबर जीरो कहां से आया ये अपने मन से रखे गए आप कोई भी वास्तविक संख्या यहां पर रख सकते हो कैलकुलेशन के लिए जीरो सिंपल रहती है इसलिए जीरो रखा ताकि वाई का मान मिल जाए वाई बराबर जीरो रखा तो एक्स का मान मिल जाए हमें दो डिफरेंट बिंदु निकालने हैं दो डिफरेंट निर्देशांक निकालने हैं वो आप कोई भी यहाँ पर मान रख सकते हो तो आपके दिमाग में जो आए वो रख देना बस टफ नहीं करना है क्वेश्चन इसलिए मैं जीरो रख रहा हूं आसान रहेगा और जो भी रखोगे ग्राफ सेम बनेगा उससे ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्राफ एकदम सेम बनेगा डिटो ठीक है चाहे ऐसे दो निर्देशांगों निर्देशांग तल पर दिखा लेते हैं उसी से इसका ग्राफ बनेगा दो निर्देशांक कौन आ गए जीरो जीरो देखो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास एक्स अक्ष है ये हमारे पास वाई ठीक अब यहां से हमने मान लिया मूल बिंदु हमारे पास हो गया ये हमारे पास हो गया एक दो और तीन फिर आ गया चार ऐसे ही एक दो तीन चार बात क्लियर ठीक अब देखो जीरो कॉमा एक एक्स पे जीरो वाई पर एक मतलब ये ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली जीरो कॉमा एक फिर अगला बिंदु क्या है दो कॉमा जीरो अब हमारे पास क्या है दो कॉमा जीरो दो कॉमा जीरो मतलब एक्स पे दो वाई पे जीरो तो जीरो हमने दोनों बिंदु मिला लिए दोनों बिंदु हमने यहां से निरूपित कर लिए इन दोनों बिंदुओं को बस मिला दो कुछ नहीं करना है क्या करोगे इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दो वही हमारे पास इसका क्या हो जाएगा ग्राफ हो जाएगा सिंपल सा वही इसका ग्राफ हो जाएगा बस इन दोनों बिंदुओं को मिला दो ठीक बात क्लियर मिल गया लगभग लगभग भाई मिल गया कहा गया थोड़ा सा इधर और हो थोड़ा सा

बेसिकली हमने क्या किया हमने बस ये दो पॉइंट लिए इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला दिया ये हमारे पास क्या बन गया इस रेखा का ग्राफ बन गया कौन सी रेखा का वो रेखा का समीकरण रख दो कौन सा रेखा हमारे पास ली थी हमने x प्लस टू वाई इक्वल टू टू इसका नामकरण कर दो x प्लस टू वाई इक्वल टू टू ये हमारे पास हो गई पहली स्टेप में आपने बिंदु निकाले बिंदु के बाद सेकेंड स्टेप में आप इनको एक्स वाई तल पर निरूपित करोगे और इनको मिला दोगे ठीक सेकंड स्टेप तक हो गई दो स्टेप में आपने क्या किया सेकंड स्टेप का आपने इसका ग्राफ बना दिया अब हमें क्या निकालना था इसका हल निकालना था ये तो हमारे पास ग्राफ आ गया हमें किसका हल बताना है असमिका का हल ये हमने किसका ग्राफ बनाया समीकरण का असमिका का हल कैसे निकलता है इसके बाद अगली स्टेप में क्या करोगे अगली स्टेप में आप सिंपल असमिका लिख दो असमिका हमारे पास क्या है x 2y ग्रेटर देन 2 अब यहां पर क्या करोगे अपने मन से आप x और y का एक मान लेते हो एक निर्देशांक लेते हो के लिए अब कौन सा निर्देशांक लेना है आप कोई भी निर्देशांक ले सकते हो इस तल पर कोई भी निर्देशांक तुम ले सकते हो बस वो निर्देशांक नहीं लेना होता है जिससे ये रेखा जा रही होती उसको छोड़कर आप कोई भी निर्देशांक ले सकते हो जैसे जीरो कौमा एक नहीं ले सकते ये दो कौमा यहां पर जीरो इसको नहीं ले सकते इन दो इन दोनों बिंदुओं से तो दिखी रहा जा रही है और यहां पर ऐसे अनंत बिंदु होंगे उन पर जा रही होगी उनसे रेखा वो बिंदु छोड़ के आप इसके अलावा और अनंत बिंदु आप इस रेखा से कोई भी बिंदु आप ले सकते हो हम लोग क्या करते हैं, हर में 0, 0 ही लेते हैं जब तक रेखा 0, 0 से नहीं जा रही होती है तो जब तक जीरो कौमत जीरो से रेखा ना जा रही हो आप हमेशा जीरो कौमत जीरो अभी क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेखा जीरो जीरो से जाएगी तब कौन सा लेना है वो वहां पे डिस्कस कर लेंगे अभी हम क्या लेते हैं जीरो कॉमा जीरो लेते हैं तो एक्स की जगह जीरो रख दो Y की जगह है। है जीरो दो से बड़ा होता नहीं है जीरो दो से छोटा होता है बात फॉल्स हो गई तो जब भी असमिका का कथन असत्य आ जाएगा उस निर्देशांक रखने के बाद जैसे जीरो कोमा जीरो रखने के बाद यह असत्य आ गया तो जब भी असत्य आएगा तो असमिका का जो हल होता है वो उस बिंदु के विपरीत और बिंदु के विपरीत और होने का मतलब यह है कि उसका जो हल होगा जैसे जीरो कहां था असत्य आ रहा है ना ओर आपने बिंदु लिया था उसकी विपरीत ओर हो जाएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा हल क्षेत्र हो जाएगा ये बेसिकली इसका क्या हो जाएगा हल क्षेत्र को निरूपित करता है बस ऐसे ही आपको क्या करना होता है किसी असमिका का आलेखी विधि द्वारा हल ज्ञात करना होता है बात इतनी क्लियर है सभी को ये बात सबको समझ में आई कि कैसे आलेखी विधि द्वारा हल निकालना होता है बस यही काम करना होता है पहली स्टेप में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं पहली स्टेप में आप क्या करोगे असमिका को समीकरण में बदलोगे एक्स का एक मान रख के वाई का मान निकालोगे वाई का एक मान रख के एक्स का मान निकालोगे दो निर्देशांक आ जाएंगे एक्स वाई तल पर निरूपित करोगे रेखा खींच दोगे ठीक मिला दोगे रेखा जब खिंच जाएगी उसके बाद अपने मन से एक बिंदु लेते हैं बिंदु हमने यहां जीरो जीरो ही लिया क्यों क्योंकि रेखा जीरो कोमा जीरो से नहीं जा रही जब तक जीरो कोमा जीरो से नहीं जाएगी हम जीरो, जीरो जीरो लेंगे और उसको असमिका पे संतुष्ट कराएंगे जब भी असमिका पे आप संतुष्ट कराओगे अगर वह बात सत्य होती तो हल इधर का और होता जिधर की ओर हमने बिंदु लिया था अगर वह बात असत्य आई है तो हल उसकी विपरीत ओर हो जाएगा दूसरी ओर का क्योंकि इसने क्या किया इस रेखा ने तल को दो भागों में विभाजित कर दिया एक भाग ऊपर एक भाग नीचे तो यह भाग ऊपर वाला भाग जो हो गया वो उसका हल क्षेत्र हो जाएगा क्लियर बात ठीक क्योंकि तो मान तो निकलता नहीं जैसे हमने बताया था कि एक्स ग्रेटर देन तो दो से बड़ा कुछ भी हो सकता, सकता।, सकता यहां यहां है ऐसे ही हमें ग्राफ बनाने हैं यहां पर क्या होगा अब ये ट्वेल्थ के जो हमारे पास क्वेश्चन है जो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन है यहां से अपना पार्ट स्टार्ट हो जाता है जो अपना ट्वेल्थ का पार्ट है ठीक यहां से ही हमारे सिलेबस में क्वेश्चन है जिन पर क्वेश्चन आएंगे उसमें भी ऐसी असमिकाएं दी जाएंगी अब असमिकाएं जो दी गई इस बार जैसे यहां पे चार असमिकाएं लिखी वहां पर एक थी अब चार असमिकाएं दी गई तो चारों का ग्राफ बनाओगे उनमें फिर जो उभनिष्ठ आएगा उनमें जो कॉमन क्षेत्र आएगा वो उसका असमिका का हल क्षेत्र होगा उसके बाद इसमें कुछ अधिकतम न्यूनतमकरण की बात कर रहा वो क्वेश्चन करते टाइम समझ लेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा एक बेसिक चीज और समझ लेते हैं ये दो समीकरण जो लिखे हैं इनका मतलब और समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू और y ग्रेटर देन इक्वल टू a x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैं एक xy तल बनाता हूं इससे समझा देता हूं आपको जैसे फॉर एग्जांपल देखो बात समझना। बात ये है कि मान लो हमारे पास x अच्छा है ये हमारे पास y अक्ष अच्छा है ध्यान से देखो ये x अच्छा है ये y अक्ष हो गई अब यहां पर ये यह हमारे पास ओरिजन है मूल बिंदु है अब देखना जैसे कि ये जो x एच होती है इसका जो समीकरण होता है वो क्या होता है y बराबर जीरो होता है ये बात पता है ना जो y एक्स का समीकरण होता है वो क्या होता है x बराबर जीरो होता है ये बात हमें पता है अरे ये बात तो पता है ना कि y अक्ष का जो समीकरण होता है वो x बराबर जीरो होता है अरे सिंपल सी बात समझो जैसे तुम्हें x बराबर दो लाइन खींचनी है ये वन है मान लो ये टू है यहां पर ये वन था यहां पर ये टू था अगर तुम्हें एक्स बराबर दो लाइन खींचनी है मतलब क्या हो गया कि एक्स एच पर दो इकाई की दूरी पर यहां पर यह ऐसी लाइन आ जाएगी अगर एक इकाई की खींचनी है एक्स बराबर वन की लाइन खींचनी है तो एक्स बराबर वन की लाइन कहां भी है यहां पे यहां से यहां ये यह आ जाएगी सिंपल वन अब एक्स बराबर जीरो की लाइन यही जो हमारे पास, पास मूल रही यही तो हमारे पास है एक्स बराबर जीरो वाई एक्स का समीकरण ऐसे वाई बराबर दो लाइन खींचनी है तो यहां से आ जाएगी वाई बराबर एक खींचनी है तो यहां पर आ जाएगी अब वाई बराबर जीरो वाली खींचनी तो यहां पर

Osionfish. कहने का मतलब यह है कि इन दोनों का जो उभयिष्ठल होता है वो हमारे पास फर्स्ट चतुर्थांश में होता है पहले चतुर्थांश में चतुर्थांश दिख रहा है ये बात मैंने इस वजह से अलग से समझाई क्योंकि हर क्वेश्चन में देखोगे मैं ये दो समीकरण जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे देखो क्वेश्चन में इसमें भी है इसमें भी देखो एक्स कॉमाई ग्रेटर टू जीरो

हमें पहले का वैसे ही निरूपण पे पे। चिन्ह है इसको बराबर के चिन्ह से बदल देते हो आपने बराबर के चिन्ह से बदल दिया अब जब बराबर के चिन्ह से बदल दिया तो आप फिर अगली स्टेप में एक्स का एक मान रखते हो मैंने जीरो रखा वाई बराबर पचास आ गया अब वाई बराबर जीरो रख दो तो एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू पचास आ जाएगी इससे हमें निर्देशांक मिल गए कौन कौन से सर निर्देशांक हो गया एक जीरो पचास एक हो गया पचास कौ जीरो ये दो निर्देशांक मिल गए ऐसे ही दूसरा वाला समीकरण ले लो दूसरा वाला कौन सा है दूसरा वाला है हमारे पास थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू नब्बे हमने साइन हटाया समीकरण का इक्वल टू का चिन्ह लगाया अगले स्टेप में आप क्या करोगे एक्स बराबर एक मान रखा आपने बराबर जीरो रखा वाई का मान मिल जाएगा नब्बे वाई बराबर जीरो रखा तो एक्स का एक मान मिल जाएगा बराबर बराबर क्या मिल जाएगा वाई बराबर जीरो रखा तो का मान तीन तरका नौ, मतलब तीस आ जाएगा तो ये बेसिकली हमारे पास बिंदु के निर्देशांक आ गए जीरो कॉमा नब्बे और तीस कॉमा जीरो मिल गए दोनों के लिए हमने दो दो निर्देशांक निकाली इसकी हमें बात ही नहीं करनी ये तो मैं पता ही पहला चतुर्थांश की बात कर रहा है इन दोनों को निरूपित करते हैं बात समझना अब देखो, ये हमारे पास है जीरो अब अब देखो, निर्देशांक बहुत बड़े बड़े दो कौ एक दो तीन चार ऐसे ले लिया था अब निर्देशांक बड़ा है तो पैमाना बड़ा ले लो पैमाना बड़े लेने का मतलब से तीस है फिर साठ है फिर ऐसे ही नब्बे एक सौ बीस है इससे क्या होगा इससे हमारे पास आसानी रहेगी अब एक दो करके नब्बे तक तो जाएंगे नहीं तो पैमाना हम बड़ा आराम से ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास तीस हो गया फिर हमारे पास हो गया साठ फिर हमारे पास हो गया नब्बे फिर, फिर हो गया एक सौ बीस आप ऐसा ही अंतराल ले सकते हैं जिसमें सारे बिंदु आ जाए पचास भी आ जाए नब्बे भी आ जाए अब पचास कहां आएगा अब इसको पचास को हम आइडिया से ले लेंगे कि ये तीस है ये नब्बे है मतलब बीच में हमारे पास यहां पे पैंतालीस होगा तो पैंतालीस से थोड़ा बड़ा पचास होगा से थोड़ा ले लिया जाएगा कोई दिक्कत नहीं चल जाएगा और आप लोग भी याद रखना ये ग्राफ पेपर तुम्हें एग्जाम में नहीं मिलेगा ये तो मैंने ले रखा है आप आराम से वैसे ही बनाओगे कि आपने ऐसे एक्स वाई तल खींचा कि सर हमने ये एक्स और वाई तल जब खींचा उसके बाद आराम से स्केल से बनाना आराम से बिल्कुल साफ साफ बनाना बस याद रखना ऐसे वन टू एक अंतराल ले लिया वन टू थ्री फोर अब ये तीस का चलेगा तो तीस साठ तीस ऐसे नब्बे लिख लेना इधर भी ऐसे लिख लेना और स्केल का यूज करते हुए आराम से करना कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है अब हम चलते हैं यहां से देखो क्या होगा पहले बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं पहला पहली वाली रेखा को बनाते हैं इसके निर्देशांक जीरो पचास और पचास कॉमा जीरो जीरो पचास देखो पचास तो जीरो, पचास, पचास जीरो तो ये आ जाएगा मान लिया ये हमने मान लिया पचास कॉमा जीरो ठीक साठ यहां पर इससे पहले पचास और पचास कॉमा जीरो यहां पर 0.50 पचास ये हमने मान लिया जीरो कॉमा पचास ठीक इसको मिला देते हैं बड़ा खिज्जा भाई ठीक है ये हमने बना ली पहली लाइन इस लाइन जब भी तुम एक लाइन बना लोगे उसका समीकरण जरूर लिख देना ध्यान से क्योंकि समीकरण अगर नहीं लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा बाद में समीकरण क्या इसका करना आराम से पूरे लेने को अब चलो आगे दूसरी लाइन के लिख लेते हैं जीरो कॉमन नब्बे और तीस कॉमे जीरो तो तीस कॉमे जीरो तो ये हो गया और जीरो कॉमन नब्बे यहां पर हो गया जीरो कॉमन नब्बे इसको ऐसा करो इस करो, जीरो कॉमा नब्बे और ये हो गया तीस कॉमा जीरो तीस कॉमा जीरो ठीक इसको मिला लेते हैं ठीक है इसका कलर दूसरा कर तो ब्लैक कर दिया ठीक है दोनों लाइनें हो गई अब इसको इसकी लाइन लाइन का का भी समीकरण समीकरण लिख देते हैं इस का है हमारे पास दोनों लाइनें हमने बना लिया आराम से ठीक अब आपको पता है बाकी के दो लाइनें क्या प्रथम चतुर्थांश में इसका हल इधर है इसका हल इधर है यह बात हमें हर क्वेश्चन में याद रखनी है कि इसका हल इस तरफ है और इसका हल इस तरफ है दोनों का हल हमारे पास इसका इस तरफ इसका इस तरफ ठीक है अब आराम से कोई दिक्कत नहीं हल इस तरफ समझ रहे क्योंकि ग्रेटर ग्रेटर देन देन इक्वल टू हल हल इस इस तरफ वाई ग्रेटर देन इस तरफ तो दोनों का आल प्रथम चतुर्थांश में तो प्रथम चतुर्थांश में अब इन दोनों का देख लेते हैं कैसे देखना है अब दोनों के लिए क्या देखोगे कि ये वाली असमिका ट्रू है या फॉल्स है ये वाली असमिका ट्रू है या फॉल्स है अब दोनों असमिकाएं तुम देखो तो जीरो कमर जीरो से एक भी नहीं जा रही है कोई भी नहीं जा रही मतलब सभी दोनों में जीरो कॉमा जीरो रख सकते हैं तो अगर इसमें जीरो कॉमस जीरो रखेंगे तो यह हो जाएगा जीरो लेस देन फिफ्टी ये बात ट्रू है

उल्टी बता दिया बात समझना इसका भी हल क्षेत्र जीरो जीरो की ओर होगा यह जीरो कॉमर जीरो, जीरो, जीरो की ओर होगा और इसका भी हल जीरो, जीरो की मतलब दोनों का हल इधर और बात समझना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इसका हल जो है ये x बराबर जीरो का इधर y बराबर जीरो का इधर मतलब जो एग्जैक्ट जो दोनों में कॉमन हल क्षेत्र आएगा वो ये आएगा ध्यान से देखो अगर तुम लोग ये वाला जो हल क्षेत्र है वो दोनों में कॉमन है यही वाला तो दोनों में हल क्षेत्र कॉमन कलर से जो मैंने सेड किया हुआ, ये किया कॉमन, कॉमन है ये, ये वाला जो हल क्षेत्र है ये दोनों में कॉमन है देखो हम इस साइड क्यों नहीं आए ये बात पक्की है ना देखो हम इधर क्यों नहीं आए या इधर क्यों नहीं आए क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ही इसका क्षेत्र रहता है इन दोनों का तो इसका इसका तो इधर है यहाँ और यहाँ इसका इधर और काली कालीवाली का भी इधर मतलब ये वाला जो एरिया हो जाएगा ध्यान से अगर देखो वो हमारे पास किधर आ जाएगा असमिका का हल्क चारों का कॉमन एरिया हो जाएगा जो जहां पे चारों समीकरण हमारे असमिकाएं है जो हैं वो कॉमन उभयनिष्ठ हल दे रही हूँ तो ये वाला हल क्षेत्र कैसा हो जाएगा उभयनिष्ठ यहां तक जो हमने काम किया वो इलेवंथ तक हम करते आए यहीं पर हम बस इसको ऐसे सेट करके दिखा देते थे यही हम लोगों का आंसर हो जाता था ऐसे ही दिखाना है आपको अब आपको एग्जाम में क्या करना मैं एक बार बता देता हूं आप पेन से बनाएंगे ग्राफ ठीक है ज्यादा पेन नहीं यूज करने बहुत रंगोली नहीं बनानी है जैसे मैं यहाँ पे ज्यादा रंगोली सी कर रहा हूँ मेरे पास डिफरेंट पेन है तो मैं बना रहा हूँ इतने पेन नहीं होते अपने पास वहां पर तो ऐसा करना है कि आपके पास दो पेन है मान लो आपने ब्लू पेन से आपने, आपने ब्लैक पेन से आपने इसको ग्राफ बना लिया उसके अलावा जो आपने दो लाइनें खींची वो लाइनें खींच दीजिए जो एरिया आया है केवल उसको बहुत ज्यादा रंगोली नहीं करना उसमें उसको हल्का सा सेट कर देना ऐसे लाइनें खींच देना अपनी जिससे वो दिखे साफ इटर यूज कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा यूज करने से ऐसा हो जाता है कि दूसरे तरफ वो छपने का डर रहता है तो इधर उधर छप जाता है और फिर वो खराब लगता है तो ज्यादा नहीं करना सिंपल सा एकदम बनाना और आराम से उसको सेट करके दिखना चाहिए कि ये एरिया आपका कॉमन एरिया है इसमें पॉइंट्स भी लेते हैं अब इसमें सबसे पहले आगे का काम क्या होगा आप कोनी बिंदु लोगे कोनी बिंदु मतलब कॉर्नर पॉइंट कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से है यहां पर अगर कॉर्नर पॉइंट देखो इस एरिया का जिससे ये घिरा क्षेत्र है उसका कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा एक ये पॉइंट हो गया एक ये पॉइंट हो गया एक यहां पर प्रतिच्छेद कर रही है एक ये पॉइंट हो गया यही पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट एक ये एक ये एक ये एक ये ये कॉर्नर पॉइंट हो गए अब इस पॉइंट के निर्देशांक तुम्हें पता ही है कि इस पॉइंट के निर्देशांक सर जीरो कॉमा जीरो है ठीक यहाँ पे ओ बिंदु के इसको मान लो ए बिंदु मान ले तीस वाले को ये तीस ए बिंदु हो गया इसको बिंदु बी मान लेते इसके निर्देशांक अभी निकालेंगे इसके निर्देशांक हमें पता है इसको बिंदु सी मान लिया इसके निर्देशांक जीरो पचास है यहाँ पे हमें पता है ये पचास वाला निर्देशांक ठीक है, है? ये हमारे पास तीस कॉमा जीरो हमारे पास जीरो करना है अच्छा बी निर्देशांक कैसे निकालोगे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ रफ का काम है वैसे बी निर्देशांक निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको पता है कि ये रेखा और ये रेखा ये दोनों जो रेखाएं हैं इनका प्रतिच्छेद बिंदु है तो दोनों के समीकरण को हल कर लो जो उसका प्रतिच्छेद वही इस बी बिंदु के निर्देशांक होंगे ये हमें बात पता है एक हमारे पास समीकरण है एक्स प्लस वाई इक्वल टू पचास दूसरा है हमारे पास थ्री एक्स प्लस वाई टू नब्बे दोनों समीकरणों को हल कर लें तो ये बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे ना जो जो हल करने पर निर्देशांक मान आएंगे के y, y, उसके निर्देशांक होंगे आपने इसको घटाने पर किया ये कैंसिल हो गया ये हमारे पास आ गया माइनस टू एक्स बराबर माइनस चालीस एक्स बराबर आ गया बीस एक्स बराबर बीस है तो वाई बराबर तीस हो जाएगा तो बीस को तीस इसके निर्देशांक हो जाएंगे ये रफ में ही करना है तो इसके इसके निर्देशांक निर्देशांक बेसिकली क्या अभी एक दो हो लगा ये सब एक तो रट जाएंगी दिमाग में परेशान ना होना क्वेश्चन को सारे हो जाएंगे ओ ए बी सी चार बिंदु हमें मिल गए अब काम शुरू होता है यहां से अपना नया पार्ट नया पार्ट शुरू होता है अब तुम्हें दी गई थी जेड के लिए एक यहां पर समीकरण इसका अधिकतम और न्यूनतम मान हमें ज्ञात करना था तो आप यहां पर एक छोटी सी टेबल बनाओगे जिसमें एक तरफ लिखोगे आप बिंदु और एक तरफ लिख दोगे जेड जेड हमारे पास है क्या बेसिकली 4x plus y 4x plus y एक छोटी सी तुमने टेबल बनाई ऐसे इसमें बिंदु हमारे पास कौन-कौन से बिंदु जो तुमने कोनी बिंदु अभी निकाले कौन से एक o बिंदु है एक a है एक बी है एक सी। ओ बिंदु के निर्देशांक पर तीस। और ना पास कौन सा है? जीरो पचास। आपको कुछ नहीं करना है ये बिंदु जो आए इनको बिंदु तुमने रखे और इन्हीं की तरह आप ये एक्स का मान ये वाई का सीधे समीकरण में रख देना है आप यहाँ की जगह जीरो जीरो रखोगे तो जेड का मान जीरो आ जाएगा यहाँ पे एक्स की जगह तीस रखोगे तो चारिया बारह एक सौ बीस आ जाएगा वाई का तो जीरो हो जाएगा। यहां बीस रखो पचास रखोगे तो जेड का मान कितना आ जाएगा ये तो जीरो हो जाएगा, पचास आ जाएगा सिंपल पचास ये पचास आ जाएगा अब इसमें निकालना क्या था अधिकतम और न्यूनतम मान कौन तुम्हें अधिकतम दिख रहा है कौन न्यूनतम दिख रहा है बस यही आंसर है और कुछ नहीं ये सबसे न्यूनतम मान आया जीरो पे जीरो का जीरो पे न्यूनतम मान है ना जीरो सबसे छोटा मान है और जो सबसे बड़ा है वही अधिकतम मान है बस कुछ नहीं यही आंसर है आपके पास जो सबसे न्यूनतम वैल्यू आई है वही आपके पास वही आपके पास अधिकतम वैल्यू भी दिख रही है बस जो सबसे छोटी वैल्यू वही न्यूनतम मान है और जो सबसे बड़ी वैल्यू वही अधिकतम मान है नीचे आप लिख दोगे बस अतः बिंदु जीरो पर बिंदु जीरो क्या बिंदु ओ पर जेड का न्यूनतम मान तथा बिंदु ए पर Z का अधिकतम मान प्राप्त होता है अधिकतम अधिकतम मान प्राप्त होता है बस यही आंसर है और कुछ नहीं करना है इसी बात के आपको पांच मार्क्स मिलेंगे बस की डिटेल में बस आपको बस एक स्टेप्स याद रखनी है क्या स्टेप्स हमें करनी है आप क्वेश्चन सब लोग सही करके आओगे गारंटी है मेरी कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आएगा सारे लोग अच्छा क्वेश्चन सही से करके आओगे बस करना ऐसे ही है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए करोगे सारे लोग ऐसे ही सिंपल वे है ये आसान सबसे क्वेश्चन है मतलब जो बेसिकली सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं वो इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा एक मैंने ये किया एक और करूंगा सेम इसी टाइप का दो और डिफरेंट वैरायटी है उनको भी मैं बता दूंगा उसमें कुछ नया नहीं करना ही है सही है कुछ नया सीखने को मिल जाएगा वो भी हम कर लेंगे एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा बाकी बात के लिए सभी को पहले स्टेप में आप ही काम समीकरण में बदल के निर्देशांक निकालते हैं दोनों के दो 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 निर्देशांक दोनों को निरूपित करते हैं दोनों का समीकरण बनाते हैं हल क्षेत्र देखते हैं इसका, इसका जगह जीरो कोमा जीरो रहे हैं क्योंकि जीरो जीरो से नहीं जा रही एक मान आपको रखना असमिका वो संतुष्ट करेगा अगर बात ट्रू है तो हल हल्केत इधर हो जाएगा इसलिए इधर हो गया एक्स बराबर जीरो का इधर वाई बराबर जीरो का इधर तो सिंपल यही प्रथम चतुर्थांश में ही रहेगा हम नीचे नहीं गए ठीक है चलते आगे दूसरे क्वेश्चन पे कह रहे निम्न अवरोधों के करके जेड का न्यूनतमीकरण और अधिकतम वही न्यूनतम मान और अधिकतम मान निकालना है असमिकाएं फिर से हमें दी गई है एक एक करके उठाओ फिर से वैसे ही काम शुरू करना है मैं स्टार्ट करता हूं पहले हमारे पास असमिका दी गई है एक्स प्लस टू वाई इसको इक्वल टू लगा लेता हूं। पहले को हल करना है से से फिर से वही काम एक्स बराबर जीरो पचास तो 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 एक, एक हो गया सौ कौ जीरो सौ कौ जीरो दो निर्देशांक आपको मिल गए अगले आ जाओ अगली समीकरण दी गई है टू एक्स माइनस का वाई पे जीरो से जाएगा तो अभी क्लियर हो जाएगी यहां से नई चीज भी सीख लेंगे तो यहां पर जीरो रखा तो वाई का मान भी जीरो मिल गया अब वाई बराबर तुम जीरो रखते भी हो तो भी एक्स बराबर जीरो मिलेगा तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं दोनों सेम ही हमारे पास बिंदु मिल गए हमें दो डिफरेंट बिंदु चाहिए डिफरेंट बिंद चाहिए डिफरेंट मान रख लो एक्स का निर्देशांक मिलेगा ऐसे कुछ मिलेंगे जबकि निर्देशांक बड़े बड़े जीरो पचास है ये सौ कॉमा जीरो है तो एक्स का कोई ऐसा मान रखो मतलब बड़ा मान रख दो ताकि निर्देशांक पास आए इसी की तरह कोई मान रख दो अगर हम यहाँ पे मान लो एक्स बराबर क्या करते हैं एक्स बराबर मान लो पचास रख लेते हैं एक्स बराबर अगर पचास रख लें सीधी बात समझो एक्स बराबर पचास रख लें तो वाई का मान कितना मिल जाएगा वाई बराबर सौ मिल जाएगा मिल जाएगा ना एक्स का मान पचास रखो पचास दूना सौ उधर गया यहाँ से सौ हो जाएगा तो वाई की वैल्यू सौ मिल जाएगी इसकी वजह से क्या होगा ये निर्देशांक इसके पास में ही रहेंगे नहीं तो ग्राफ बनाओगे तो एक जगह तुम मान लो सौ कोमा जीरो रख रहे हो दूसरी जगह तुम्हें एक कोमा जीरो लिखना तो सौ कोमा जीरो एक कोमा जीरो रखने में कंफ्यूजन होगा ना कहा फिर ग्राफ का पैमाना बदल जाएगा अब चलो आगे चलते हैं आगे हमारे पास हो गया टू एक्स प्लस वाई इसमें तीन समीकरण दिए गए बेसिकली इक्वल टू दो सौ अब यहां पर एक्स बराबर जीरो रखा तो वाई बराबर है दो सौ वाई बराबर जीरो रखा तो एक्स का मान कितना आ जाएगा सौ पर निर्देशांक कौन-कौन कौंस से थे ये थे जीरो कॉमा जीरो और पचास कॉमा सौ ठीक ठीक है कोई दिक्कत नहीं पचास कॉमा सौ था अब यहां से हो गया जीरो कॉमा दो सौ और यहां पे हो गया सौ कॉमन जीरो हमारे पास निर्देशांक मिल गए ये वाला बस यही वाला था ये वाला तो पता ही है की बात हो रही। एक एक करके ये हमारे पास, पास वाई अक्ष है अब हमें पैमाना पचास सौ चल रहा है तो पचास पचास का लेते ये जीरो ये पचास लिख लिया फिर सौ फिर डेढ़ सौ फिर दो सौ पचास पचास का ले ले रहे हैं। फिर पचास ही अपने मन से ले सकते हैं ना जैसे निर्देशांक उसी अनुसार ले लेना डेढ़ सौ और फिर हमारे पास आ गया दो सौ ठीक एक एक करके निरूपित करते हैं। पहला जीरो कॉमा पचास जीरो कॉमा पचास कहाँ है जीरो और कॉमा पचास ये वाला बिंदु अगला है सौ कॉमा जीरो सौ कॉमा जीरो ये वाला बिंदु एक्स पे सो वाई पे जीरो तो इसको बना लेते हैं पहले ठीक है ये हमारे पास पहली लाइन बन गई ब्लैक से दिख रही होगी अब सिंपल इसको हम समीकरण लिख दो पहले इसका कंफ्यूजन ना रहे समीकरण इसका क्या है x plus 2y equal to 100 x plus 2y equal to 100 आगे चलो आगे बिंदु के निर्देशांक इसके रखते हैं 0.0 ये तो यही हो गया 0.0 अगला कौन सा ये हो गया 0.0 अगला हमारे पास है पचास साथ सो पचास ले एक बार एक बार अगर कर लेगा तो सारे क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा उसको ठीक है मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों को ऐसे होंगे जिनको आता है सर लेकिन कर ले साथ में ठीक है ये हमारे पास आ गया दूसरा ये कौन सा समीकरण है इसको समीकरण का नाम दे दो

सौ कॉमा जीरो सौ कॉमा जीरो वाला पॉइंट यही तो इसके लिए भी था सौ कॉमा जीरो इसको मिला देते हैं ठीक ये आ गया अब इस लाइन का समीकरण क्या है समीकरण लिख लेते हैं समीकरण बेसिकली इसका दिया गया 0, 200, है जीरो का हलक्षेत्र कॉमन पार्ट जिसका आ रहा है वो लिख लेते हैं सबको लिखना शुरू करो मान लो इसमें मान लो हम रखते हैं अब ये वाली लाइन देखना पहले x प्लस टू वाई इक्वल टू सो कहा एक्स प्लस टू वाई टू सो ये जीरो ये जीरो से नहीं जा रही ना काली वाली लाइन देखो काली वाली काली वाली जीरो, जीरो से नहीं जा रही है तो इसकी जगह हम जीरो कॉमा जीरो रख सकते हैं जीरो आ जाएगा कहां पहले का समीका मैं लिख देता हूं एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन सौ अब एक्स वाई की जगह जीरो रखोगे तो जीरो ग्रेटर टू सौ आ रहा है बात सत्य है कि गलत है गलत है ना बात फॉल्स है आगे आओ

अब ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये जीरो जीरो से ऑलरेडी जा रही है दिख रहा है पचास कौम जीरो होगा पचास कॉमा जीरो ले कोई भी ले सकते हो ऐसी कोई दिक्कत नहीं मैंने ये बिंदु ले लिया पचास कॉमस जीरो बस ये बिंदु नहीं लेना क्योंकि इससे हमारे पास रेखा जा रही है हम पचास कॉमा सौ भी नहीं ले सकते क्योंकि इससे भी जा रही है

ठीक इसका इस और, इसका ओर इस अब आगे आओ हमारे पास बची रेड वाली लाइन रेड वाली लाइन के लिए देख लेते हैं रेड वाली लाइन का में देखो रेड वाली लाइन का ये, ये जीरो कमा जीरो से नहीं जा रही तो हम रख सकते हैं जीरो कमजीरो जीरो सो तो ये, ये बात है कि जीरो जो है वो दो सौ से छोटा है यही बात आई सत्य आई मतलब रेड वाली लाइन का जो हल क्षेत्र होगा वो हमारे पास बेसिकली इस साइड हो जाएगा अब तीनों का कॉमन हमें देखना है। देखना है है ध्यान ध्यान से से देखो इस वाले का इधर और आगे वाली जो हमारे पास लिखा है, इसका मतलब हमें देखना पहले चतुर्थांश में इसका मतलब क्या हो गया हमें देखना फर्स्ट चतुर्थांश में इसका मतलब हो गया फर्स्ट चतुर्थांश बस समझ लेना ठीक है फर्स्ट चतुर्थांश मतलब इधर इधर ठीक अब ये ग्रीन वाली लाइन का जो है वो इधर है मतलब इस साइड ठीक तो ग्रीन वाली लाइन के लिए बेसिकली ऐसा ऐसा हो गया ये वाला एरिया ये एरिया जो होगा वो ग्रीन वाली लाइन के हिसाब से हो गया ऐसे ऐसे ठीक आ गया हटा देते हैं इसको ब्लैक वाली लाइन के हिसाब से ऐसा हो गया तो ये एरिया और ये एरिया हो गया रेड वाली का ऐसा हो गया तो बेसिकली ध्यान से देखो तो ये वाला जो एरिया है वही बस कॉमन आ रहा है ये जो एरिया बस इतना ही देखो ये एरिया जो है यही कॉमन आएगा बस देख लो आप ध्यान से देखो ब्लैक वाले का इस साइड ग्रीन वाले का इस साइड रेड वाले का इस साइड इसका इधर और उसका इधर सबका देख लो तुम यही एरिया केवल हो जो सभी में उभय निष्ठ है ध्यान से जब तक खुद से नहीं बनाओगे क्लियरिटी नहीं आएगी ये बात याद रखना क्लियरिटी तभी आएगी जब तुम खुद से बनाओगे है ना तो खुद से बनाने हैं ये सारे जब खुद से बनाओगे तभी अच्छे से समझ में आ जाएगा यही मेन बात है कि आप उभयनिष्ठ एरिया कौन सा देखते हो उभयनिष्ठ एरिया देखोगे तभी आप कोनी बिंदु निकाल पाओगे अब तुम देखोगे कोनी बिंदु कोनी बिंदु कौन से एक तो ये बिंदु हमें दिख रहा है सर कोनी बिंदु एक हमारा ये भी बिंदु है यहां पर एक ये भी बिंदु है जहां पर ये जिन बिंदुओं से मतलब जहां पर दो बिंदु तुम्हें मिल रहे हो एक ये बिंदु मिल गया एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर ठीक है तो जो कोनी बिंदु है कॉर्नर पॉइंट है वो सारे बिंदुओं पर अब तुम मान तो हमारे हम तो पास, तो पास ए बिंदु हो गया ऐसे ये बी बिंदु है बी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे इन दोनों का हमारे पास प्रतिचे बिंदु ऐसे ये सी बिंदु है इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है उसको निकालेंगे डी बिंदु हमारे पास जीरो अब हमें निर्देशांक निकालने किसके बी और सी के तो बी और सी के निर्देशांक निकाल लेते क्योंकि ए के हमें पता है पचास बी का डी का भी पता है तो B और सी का कैसे मिलेगा बी का निर्देशांक मिलेगा जब ग्रीन वाली लाइन और ब्लैक वाली लाइन का इंटरसेक्शन है ग्रीन वाली और ब्लैक वाली ग्रीन वाली लाइन का समीकरण तुम्हारे पास है क्या है टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो ब्लैक वाली लाइन का समीकरण एक्स प्लस का टू वाईक्वल टू सो यही तो है यहां से अगर आप मान निकालो तो क्या निकल आएगा हम्म यहां से आ गया y बराबर क्या है y बराबर है 2x y का मान यहाँ पे रख दो 2x 2x हो गया 4x 4x बराबर आ गया 100 x बराबर आ जाएगा चार 4 चार 4 दूना 8 4 पंजे 20 25 आ जाएगा x बराबर अगर 25 है तो y बराबर पचास है यही आएगा x y के मान देख लो हमारे पास देखो ब्लैक वाली लाइन सॉरी और ग्रीन वाली लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है बी बी का हमारे पास समीकरण है टू एक्स माइनस वाईक्वल टू जीरो और इसका है प्लस टू सो ठीक तो पच्चीस कौमा पचास हमें मिल जाएंगे इस बिंदु के निर्देशांक, इसको हटा देते हैं और यहां पर बिंदु का निर्देशांक लिख देते हैं पच्चीस कौमा पचास पच्चीस कौमा पचास बी बिंदु है भाई सी बिंदु कहा बी बिंदु बी बी बिंदु ये 25, 50 अब सी बिंदु का निकाल लूं सी बिंदु का किसका इंटरसेक्शन है रेड और ग्रीन का रेड वाली का समीकरण हमारे पास क्या है ये 2x y 200 2x y 200 दूसरा है 2x ये ग्रीन वाली का -y 0 ये हो गया 4x बराबर हो गया हमारे पास 200 और x बराबर आ जाएगा 4 5 20 50 y का मान क्या आ जाएगा x का मान 50 है तो y का वैल्यू 100 आ जाएगा ना एक ये तो निर्देशांक पता पता ही ही था था यार क्यों निकालने क्या पागलपन ये ना तो दिया गया है इस बिंदु के निर्देशांक अब सारे बिंदु है तुम्हारे पास काम वही करना है टेबल बनाओ आपने लिखा बिंदु और फिर लिखा जेड बराबर जेड बराबर तुम्हें दिया जाएगा एक्स प्लस टू वाई वहां पर भी एक्स प्लस टू वाई था क्या पहले वाले में पहले वाले में फोर एक्स प्लस वाई था अच्छा बस ये ग्राफ बनाओ ये तुमने टेबल बनाई टेबल बना के आप सारे बिंदु ले लो कौन कौन से बिंदु हैं बिंदु है हमारे पास अब देखो बिंदु कौन से ए बी सी डी ए बी सी डी ए बिंदु के निर्देशांक क्या है जीरो कॉमा पचास बी बिंदु के निर्देशांक पच्चीस कॉमा पचास c बिंदु के निर्देशांक हैं 50, 100 और d बिंदु के निर्देशांक है तुम्हारे पास 0, 200 ये आ गया a b c d हमारे पास मान निकल आया ठीक है अब इन सभी के मान आप वहां पे रख दो x जगह 0 y की जगह 50 तो ये 100 आ गया 25 और 100 125 आ गया 50 और 200 सौ आ गया और 0 और 400 आ गया ये 400 आ गया ये तो जीरो हो गया, वाई की जगह दो सौ रखेंगे चार सौ कौन न्यूनतम है कौन अधिकतम दिख रहा है यार ये न्यूनतम है सबसे कम वैल्यू ये अधिकतम है बस आप लिखोगे आता क्या था बिंदु ए पर न्यूनतम मान जेड का न्यूनतम मान जेड भी लिख दो जेड का न्यूनतम मान तथा बिंदु डी पर Z का अधिकतम मान प्राप्त होता है अधिकतम मान प्राप्त होता है बात क्लियर ये हमने बेसिकली दो क्वेश्चन उस फॉर्मेट की किए जिसके सबसे ज्यादा चांस है क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस है कि यही क्वेश्चन इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा सिंपल सी बात है ठीक ये बात क्लियर हुई सभी को अब अगर हम देखें यहां से अगर देखें कि जो हमारे पास, <coughs> पास ये दो क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन ये था एक क्वेश्चन हमारे पास ये था इन दोनों क्वेश्चंस की अगर हम यहां पर बात करें तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन बनने ज्यादा चांसेस रहते हैं अब बेसिकली हमने दो फॉर्मेट के और क्वेश्चन लिया उसमें भी सेम काम है कुछ एक छोटी सी नई चीज़ सीखनी है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में और एक छोटी सी नई चीज़ यहाँ पर यही दो क्वेश्चन बचे बस आधा घंटा और लगेगा मुश्किल से मतलब कुछ मिला के डेढ़ घंटे के अंदर ही ये क्लास खत्म हो जाएगी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है डेढ़ घंटे के अंदर पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा मैंने ये दो क्वेश्चन लगा दिए ये दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे ही लगाओ एक बार डिटेल में लगाओ जैसे मैंने बताया वैसे लगाओ फिर एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज क्योंकि एक ही एक्सरसाइज दी गई है पूरे में एक ही एक्सरसाइज है आपके पास ट्वेल्व पॉइंट वन शायद दी गई है उसी में पहले होता था थ्योरी वाले क्वेश्चन वो भी हटा दिए गए तो सिलेबस में है नहीं तो वो पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं एनसीईआरटी ने जो दिया है ट्वेल्व पॉइंट वन आप लगाइए ये क्वेश्चन मैं दो तीन चार तो मैं आज करा ही दूंगा पांच तो मैं करा ही दूंगा और उसके अलावा उसमें टोटल नौ तो नौ दस क्वेश्चन दिए गए चार पांच एक्जाम्पल दिए गए मतलब टोटल पंद्रह सोलह क्वेश्चन है चार पांच तो लग ही जाएंगे एक दो तीन क्वेश्चन एक एक टाइप का आप खुद से लगा लेना वहां पर बस पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी दोबारा आपको देखना नहीं पड़ेगा आप लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम एक बार रिवाइज मारोगे आपका पूरा क्वेश्चन जो आएगा वो आप करके आओगे बस डिटेल में एक बार इसको देख लो मन से ठीक है जो क्वेश्चन है थोड़ा सा धैर्य रख के देख लो थोड़ा सा वैसा लगता है कि पेशेंस रखना है कि आराम आराम चल रहा है वो ग्राफ खींचना है ग्राफ में थोड़ा ये ग्राफ का कंफ्यूजन थोड़ा मिटा लो एक दो ग्राफ खुद से खींच के देख लो जब तुम खुद से एक दो बार ग्राफ खींचोगे तुम्हें कॉमन हेल्थ समझ में आ जाएगा तब तुम्हें देखने से समझ में आएगा अपना जब दिमाग छोड़ोगे उसमें मैं तो ऐसे बताता रहूंगा लेकिन आप खुद से उसमें जब लगाओगे एक दो बार तो आपको खुद से आइडिया है बस 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 आपको मिल जाएगा एक दो बार उसको आप खुद से के ग्राफ बनाओ बस। काम आसान है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तीसरा क्वेश्चन है काम वही करना है अभी भी स्टार्ट वैसे ही करेंगे सेम काम क्या करना है पहला हमारे पास दिया गया एक्स ये हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू तीन मतलब यहां से तो डायरेक्टली मिल गया एक्स बराबर तीन इसकी तो कोई दिक्कत नहीं ठीक एक्स बराबर तीन का ग्राफ हम डायरेक्टली खींच लेंगे कोई दिक्कत नहीं अगली अब समीका लेते हैं एक्स प्लस वाई यहां से इक्वल टू पांच हो गया तो एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर कितना आ गया पांच वाई बराबर जीरो पर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी वाई बराबर जीरो पर आ जाएगा एक्स बराबर पांच मतलब बिंदु के निर्देशांक हो गए जीरो कॉमा पांच और पांच कॉमा जीरो दोनों निर्देशांक गए अगला आओ। अगला कह रहा है एक्स प्लस 2Y टू वाई इक्वल टू छ जीरो रखा

थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक ऐसे ही मान लो यहाँ पे सेवन और एट भी था ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट ये वाई एक्स हो गए ये एक्स एच हो गए ठीक एक एक करके निरूपित करते हैं एक्स बराबर तीन पहले खींच लेते एक्स बराबर तीन, क्या? एक्स तीन इकाई की दूरी पर बस वाई एक्स की समानता देखा में मिलेगी ये ये बेसिकली हमारे पास x बराबर कौन सी लाइन हो गई तीन x बराबर तीन लाइन हो गई हमारे पास ठीक आगे कॉम जीरो जीरो कुमा से पांच तो ये हो गया ये हो गया जीरो पांच अगला हो गया पांच कॉमा जीरो पॉइंट हो गया पांच पांच कॉम जीरोनो को मिला देते हैं

सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आप अगर यहाँ पर ये x ग्रेटर देन, है, ग्रेटर देन तु तु तीन है यहाँ पे अगर तुम जीरो रखोगे अरे भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू तीन है x की जगह जीरो अगर रखा तुमने तो जीरो ग्रेटर देन थ्री बात कैसी है फॉल्स है जीरो तीन से बड़ा नहीं होता जीरो तीन से छोटा होता पहली वाली बात फॉल्स है इसमें आओ इसमें देखोगे तो तुम्हारे पास दूसरा है एक्स प्लस वाई, जीरो से नहीं जा रही है तो जीरो को हमारा तो जीरो मतलब तीनों बातें फॉल्स है ना ये भी फॉल्स है, जीर है, है, है ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, है, है तीनों बातें फॉल्स होने का मतलब ये है ये काम आपको ऐसा करना है कि ये काम रफ में रखना इसको फेयर में करने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर भी ऐसा मैंने ये कर दिया है ये काम ऐसे आप रफ में कर लेना

ये एरिया जो होगा ये कॉमन एरिया है। ये वाई से ऊपर ही रखना है वाई इक्वल टू जीरो है ना वाई ग्रेटर देन तो ये एरिया इसका आ गया हल क्षेत्र में समझ रहे हो ना ये वाला एरिया जितना मैंने ये सेट कर दिया मतलब ये वाला एरिया मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देता हूं ये एरिया जो है ये बेसिकली हमारे पास हल क्षेत्र में आ जाएगा जो मैंने ये एरिया हाईलाइट कर दी सबको दिख रहा है ये एरिया किसी को कोई डाउट तो नहीं क्योंकि सब में असत्य आया है तो सबका हल जो होगा वो इस जीरो, जीरो से विपरीत दिशा में उल्टी साइड वाला तो ये वाला आपका हल क्षेत्र आ जाएगा यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है इंपॉर्टेंट बात ये शुरू होती है पहले तो वही काम हमें करना था यहाँ तक तो सेम वैसे ही चले अभी भी सेम ही चलेंगे आपने यहाँ पे बिंदु रखा अभी भी काम सेम चलना है आपने यहाँ पे बिंदु लिया और फिर से आपने टेबल बनाई Z के लिए Z का मान क्या लिया गया है Z का मान ले लो बिंदु के निर्देशांक देख लो कौन कौन से बिंदु है हमारे पास बिंदु बेसिकली हमारे पास कौन कौन से आ गए एक तो बिंदु ये आ गया एक बिंदु ये भी तो है हमारे पास इस बार थोड़ा सा एक गड़बड़ हो गया था लाइन में ऐसा काम कर रही है हाँ, अब देखो अब बिंदु देख ले पहले बिंदु हमारे पास कौन कौन से हैं एक तो ये बिंदु है ठीक यहाँ पे और इस लाइन के साथ एक ये बिंदु है जहां पर ये बिंदु कट रहा है एक हमारे पास ये बिंदु है बस यही तीन बिंदु है, एक हम इसको मान लेते हैं ए ए जो है इसको बिंदु मान लो ये बिंदु ए है हमारे पास इसको बिंदु बी मान लेते हैं इसको बिंदु सी मान लेते हैं यही तीन बिंदु है इसके अलावा कोई बिंदु नहीं है दिख रहा को बिंदु एक ये बिंदु एक ये दो जो यहाँ पे कट कर रहे हैं एक ये बिंदु नीचे तो है नहीं क्योंकि इसके नीचे नहीं कॉर्नर सी तो तो ले ये, ये, ये। पॉइंट कर रही है इसका मान तुम्हारे पास है कि ये हमारे पास है सिक्स कोमा जीरो हमें दिख रहा है कि ये सिक्स कोमा जीरो है बी बिंदु कैसे मिलेगा बी बिंदु निकाल लेते हैं बी बिंदु किन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन है इन दोनों का एक है हमारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू पांच है और एक है हमारे पास एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू छ प्लस टू वाई इक्वल टू छः दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट माइनस 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 ये कट गया ये आ गया माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन वाई बराबर आ गया वन वाई की वैल्यू वन है तो एक्स की वैल्यू चार है तो ये हमारे पास आ गया वन कामा फोर नहीं फोर कामा वन कहाँ पे ये ये हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए था एग्जैक्ट अगर तुम वैसे बनाओगे तो यहीं पर आएगा मतलब ये ग्राफ थोड़ा स्केल से बनेगा तो ये फोर कॉमा वन वाला यहीं पर तो ये हमारे पास आ गया फोर कॉमा वन

फिर आपने लिखा जेड बराबर जेड बराबर क्या दे रखा है जेड बराबर देखा माइनस एक्स प्लस टू आई जेड बराबर माइनस एक्स प्लस टू आई ठीक है ठीक है। ये बिंदु हो गया ये जड़ हो गया बिंदु हमारे पास कौन कौन से हैं एक है ए एक एक है बी, एक है है बिंदु के निर्देशांक हमारे, हमारे पास चार कॉमे जीरो रखेंगे तो माइनस तो चार, तो चार और प्लस दो माइनस का दो हो जाएगी ये दो जाएगी यहाँ पे माइनस चार हो जाएगा हम्म और यहाँ पे प्लस का दो हो जाएगा तो माइनस दो तीन, दो रखेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का तीन और दो रखोगे तो ये हो जाएगा चार मतलब कि प्लस का एक हमें मान कौन सा निकालना है जेड की वैल्यू आ गई प्लस वन यहां पर यहां पे मान निकालना है अधिकतमीकरण कीजिए मतलब का अधिकतम अधिकतम मान अधिक्तम मान दिख रहा है ये तो की वैल्यू यही है अधिकतम वैल्यू ये है अधिकतम वैल्यू हमें यही लगेगा कि यहीं पे सीधा लिख दें का अधिकतम मान एक है आपका आंसर हो गया अभी तक यही कर रहे थे क्वेश्चंस में एक थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ये है कि अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए उसमें जो हल क्षेत्र आता था वो बाउंडेड एरिया होता था मतलब कि घिरा हुआ एरिया जैसे ये भी एक घिरा हुआ एरिया था पूरा ये भी हमारे पास पूरा घिरा हुआ एरिया था हमेशा घिरा हुआ एरिया आता था जब भी अभी हमने तक जितने भी क्वेश्चन लगाए सारे क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा था यहां पर जो बाउंडेड एरिया है इधर ओपन है खुला निकाय है दिख रहा है ना ओपन सिस्टम है कि इधर हमारे पास जो निकाय है ये हमारा जो पूरा ग्राफ है इधर ये पूरा खुला हुआ है ये पूरा तुम्हें खुला खुला सा दिख रहा है तो जब भी ऐसा केस होगा कि आपका कोई भी ग्राफ का क्षेत्र बंद ना आए इधर भी हो सकता है कि ऐसे ऐसे पूरा खुला आ जाए। ऐसे खुला आ आ जाए जाए ठीक है है कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हमें एक स्क्रेटर देन, वाई ग्रेटर देन, दिया होगा तो हमेशा यही इधर आएगा तो हमेशा ऐसा घिराव खुला हुआ क्षेत्र जब भी आ जाए खुला हुआ क्षेत्र जब भी आएगा आप क्या करोगे आप एक स्टेप फॉलो करेंगे मैं लिख रहा हूं क्या लिख रहा हूं मैं यहां से मानूंगा कि मैंने माना क्या माना कि जो ये जेड का मान आया है ये अधिकतम है यही है ग्रेटर देन वन।, वन से बड़ा है कहने का मतलब ये है मैं ये कहना चाह रहा हूं यही बड़ा है कहने का मतलब ये, है कि इसने ये बताया, इस बिंदुओं के आधार पर ये हमें पता चला कि जो जेड का सबसे अधिकतम मान होगा वो क्या होगा वन उससे अधिकतम मान नहीं होगा लेकिन हम ये मानते हैं कि यहां पर जो भी ओपन एरिया है इसमें ऐसा हो सकता है कि जेड का कोई अधिकतम मान और भी मिल जाए मतलब वन से बड़ा मान मिल जाए क्योंकि हमें यहां पर नहीं पता कि ये कहां तक जा रहा है अभी तक बाउंडेड एरिया होता था तो हमें पता होता है, इतनी सर्द में उतनी एरिया में उतनी सीमा में हमें जेड का मान मिल जाता था इस बार हमें नहीं पता कि कहां तक जाना है तो हम जेड का मान ऐसा मान लेते हैं कि ऊपर अगर हम इधर देखें तो कहीं हमें एक से बड़ा मान भी मिल सकता है और मिल सकता है उस मान को अब हम निकालना है तो कैसे निकालोगे आप एक काम करोगे आपने लिखा जेड ग्रेटर जो मान दिया गया उसके साथ ग्रेटर देन वन लगा देना है बस इक्वल टू भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बाकी जेड ग्रेटर देन लिखोगे तो भी चलेगा तो यहां पर आप क्या करोगे जो भी अधिकतम मान है उसके साथ जेड का मान अधिकतम कर देंगे जेड ग्रेटर देन वन जेड हमारे पास क्या है उसको रखो जेड हमारे पास है माइनस एक्स प्लस टू वाईल टू वन ए ग्रेटर देन वन अब इस असमिका को भी इस ग्राफ पर बनाओ कैसे बनेगा वैसे ही काम वही करोगे इस को पहले आपने क्या किया समीकरण में बदला, किया। आपने एक्स बराबर जीरो रखा, तो वाई की हो जाएगी कुछ और रख लेते हैं जिससे एक बेटे दो में ना जाए मान लो एक्स की वैल्यू तुम तो माइनस वन रख लो एक्स की वैल्यू वन रख लो एक्स की वैल्यू वन रखी यहां पर तो ये माइनस वन हो जाएगा उधर जाएगा प्लस का टू वाई की वैल्यू भी वन आ जाएगी वन कोमा वन हो जाएगा ठीक है अब y की वैल्यू मान लो तुमने जीरो रख ली तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y बराबर जीरो रखोगे x की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी दो बिंदु तुम्हें मिल गए कौन कौन से वन कॉमा वन और मिल गया माइनस वन कॉमा जीरो दोनों बिंदु रखो यहां पर मैं रख रहा हूं यहां पर एक बिंदु हमें मिल गया वन कॉमा वन ये बिंदु है वन कॉमा वन एक मिल गया अबे माइनस वन कॉमा जीरो माइनस वन कॉमा जीरो बिंदु माइनस वन कॉमा जीरो ठीक इस लाइन को बनाते हैं इस लाइन को बनाओ अरे फॉन्ट बन ऑरेंज है ठीक है ऑरेंज दिख रहा होगा ये ऑरेंज वाली जो लाइन है वो हमने किसकी बनाई ये हमने लिख देते हैं ये हमारे पास है कौन सा समीकरण यह है माइनस एक्स प्लस का टू इक्वल टू वन ये हमने एक ग्राफ इसकी भी लाइन बने हमेशा यही करोगे जो अधिकतम मान आया जब भी खुला एरिया होगा आप जेड ग्रेटर जेड की वैल्यू रखोगे उस असमिका के निकाय निकालोगे मतलब क्षेत्र बिंदु निकालोगे उसके लिए इसका हल बनाओगे अब हल बनाने के लिए फिर से वही काम अब ये जीरो कामा जीरो से तो जा नहीं रही है तो जीरो कोमा जीरो के देखो हल क्षेत्र किधर है अगर हम यहां पे भी जीरो रखें यहाँ पे भी जीरो रखें तो जीरो ग्रेटर देन वन हो जाएगा हो जाएगा ना जीरो ग्रेटर देन वन अगर जीरो ग्रेटर देन वन हो गया मतलब कि बात फॉल्स है इसका भी हल क्षेत्र किधर होगा ऊपर की ओर नीचे नहीं होगा जीरो नहीं होगा विपरीत विपरीत ओर ओर होगा होगा तो हल क्षेत्र किधर आ गया इसका भी जो हल क्षेत्र आया बेसिकली वो हमारे पास किधर आ गया वो हमारे पास इधर आ गया ये वाला एरिया ये वाला एरिया इसके इधर तो जाना नहीं है इसके साथ इधर वाला एरिया ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया मैं दिखा रहा हूं डार्क ग्रीन ये वाला एरिया आ गया कहने का मतलब यह है इससे हमें क्या मिला जब हमने बना लिया उससे हमें क्या फायदा हुआ फायदा ये हुआ फायदा कि जब तुमने ये एरिया निकाला तो अभी भी तुम्हें यहां पे दिख रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे बिंदु होंगे इस पे इतने एरिया में बहुत सारे ऐसे बिंदु होंगे ऐसे तो यहाँ पर भी इस वे ये हमने जेड का ये मान रख कर भी हम ये नहीं पता कर सकते कि एग्जैक्टली जेड का मान क्या रहा होगा जैसे हर जगह बाउंडेड एरिया में हम क्या करते थे एग्जैक्ट मान निकाल लेते थे कि इस एरिया में इतना ही अधिकतम मान होगा इस एरिया में इतना ही न्यूनतम मान होगा लेकिन यहां ना होने की वजह से घिरा हुआ ना होने की वजह से हम जेड का एग्जैक्टली मान नहीं बता सकते अभी भी ऐसे बहुत सारे पर बिंदु होंगे जिनके लिए जेड का मान एक से अधिक हो सकता है एक से अधिक मान होगा तो सिंपल सी बात यह है कि हम अभी भी नहीं बता सकते हैं तो आप यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे इतना काम करना है बस यही आपका आंसर है आपने बस आगे लिख देना है क्या लिख देना है लिखना है आपको अतः उपयुक्त जानकारी के आधार पर उपयुक्त जानकारी के आधार पर Z का अधिकतम मान नहीं ज्ञात किया जा सकता नहीं ज्ञात किया जा सकता

एग्जैक्ट तो मान नहीं बता सकते तो एग्जैक्ट मान इस जानकारी के इतनी जानकारी के आधार पर हम लोग नहीं बता सकते बस बस यही आपका आंसर है है काम वही करना लास्ट ये याद रखना जब भी ये ओपन एरिया आ जाए बाउंड ना आए तो आपको ये काम करना है बस सिंपल स्टेप्स एक बार करोगे आपसे हो जाए एक ही क्वेश्चन ऐसा दिया गया वो मैंने आपको करा दिया एक एग्जाम्पल और करना है पांचवा नंबर वो एग्जाम्पल और देख लेते हैं बाकी हम लोग को सारी चीजें क्लियर है पांचवा नंबर एग्जाम्पल और देख लेते हैं बाकी तो फिर तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है आप कुछ दो चार पांच क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेना आइडिया हो जाएगा आपको आराम से क्वेश्चन सही करके आएंगे स्कोरिंग चैप्टर है पांच मार्क्स तुरंत मिलेंगे सीधी सी बात है आसानी से क्लियर है सबको समझ तो आ रहा है ना भाई किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ भी चल रहा है भाई सिंपल है यार ऐसा कुछ है नहीं कि ज्यादा इतना डिटेल में भी जाया जाए अब इसको देख लेते हैं ये बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे बस कुछ इसमें नई चीज एक बतानी थी पहला हमारे पास वैसे ही स्टार्ट करना है एक्स प्लस वाई इक्वल टू आठ एक्स बराबर जीरो पर वाई बराबर आठ वाई बराबर जीरो पर एक्स बराबर आठ आपने दोनों के निर्देशांक लिख लेने क्या हो गया जीरो आठ आठ कॉमा जीरो अगला जीरो पर वाई का मान पानिया पंद्रह वाई बराबर जीरो पर एक्स का मान तिरपट पंद्रह पांच तो आ गया जीरो थ्री और आ गया फाइव निर्देशांक निकाल जीरो निर्देशाक निकालिए पहला चतुर्थांश है, दिख रहा है एक्स ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर जीरो आ जाओ यहाँ पे एक्स वाई तल ये एक्स हो गया ये हमारे पास वाई हो गया ये जीरो है। यहाँ से आ जाओ जीरो आठ तक जाना है तीन पाँच आठ चलो आठ तक तो पहुँच ही जाते हैं पहुँच लेते हैं ये हमारे पास हो गया जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन

ठीक ये हमारे पास हो गया कौन सा समीकरण है लिख देते हैं भाई x प्लस वाईक्वल टू आठ है x प्लस वाईक्वल टू आठ अगले बिंदु के निर्देशांक रख लेते हैं अगले बिंदु के निर्देशांक है जीरो कॉमा तीन और पांच कॉमा जीरो जीरो कॉमा तीन जीरो कॉमा तीन और पांच कॉमा जीरो ये वाला पांच कॉमा जीरो ठीक इनको मिला लो इनको मिला लेते हैं ये बना लिए भाई दोनों का हल और देख लेते हैं अब बिंदु हमने बना लिए हल और देख लो भाई हल छेत्र कहाँ देखोगे यहीं से यहाँ जीरो कॉमर जीरो रखोगे पहले समिका में कहा यहाँ पे रख लेते हैं ऊपरी यहाँ पे रखोगे जीरो कॉमर जीरो जीरो ग्रेटर देन आठ बात फॉल्स है यहाँ पे रखोगे जीरो ग्रेटर देन पंद्रह बात ट्रू है ये बात फॉल्स है ट्रू है क्योंकि जीरो कॉमर जीरो से नहीं जा रही कोई भी रेखा इसलिए जीरो कॉमर जीरो रख ली एक फॉल्स है एक ट्रू है फॉल्स कौन सी है एक्सप्ल वाई वाली मतलब कि ये वाली फॉल्स है मतलब हल हलक्षेत इस साइड ये बात ट्रू है ये वाली इस तरफ तो बेसिक मतलब यहां पर हम यह समझाना चाह रहे थे अब बात देखो क्षेत्र देखो हल क्षेत्र कहां आएगा हल क्षेत्र जो आएगा इसका किधर आ रहा है इधर अरे ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो तो ग्रेटर इधर यह हल क्षेत्र आ रहा है इसका बस यहीं तक ये यहां से इधर ठीक इसका क्षेत्र इसका अगर देखो तो, देन देन जीरो है, तो पहले कुछ भी कॉमन नहीं इधर जा रहा है ये इधर आ रहा है कुछ भी कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है ऐसा हो सकता है कि जब दोनों ग्राफ बनाओ या तीन ग्राफ हो एक ग्राफ और होता उसमें भी कुछ उभयनिष्ठ वो मान लो ऐसे निकल जाता और उसका इधर कुछ हो जाता और उसका भी उभयनिष्ठ नहीं आता तो उभयनिष्ठ ऐसा हो सकता है कि एरिया उभयनिष्ठ आए ही ना तो उस केस में क्या होगा आप उस केस में बस यही बात लिखोगे जब भी उभयनिष्ठ एरिया नहीं आएगा आप लिख दोगे अतः यहां कोई सुसंगत हल नहीं प्राप्त होता है कोई सुसंगत कोई सुसंगत हल क्षेत्र नहीं प्राप्त होता है हल क्षेत्र नहीं प्राप्त होता है बस जब भी ऐसा होगा कि कोई एरिया कॉमन ना एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोई सुसंगत हल क्षेत्र नहीं प्राप्त होता है बस सीधी बात लिख दोगे और कोई बात नहीं बस यही है इतना ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से लगाने पड़ेंगे तभी अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगी आप कुछ क्वेश्चन अपने मन से कुछ प्रैक्टिस के लिए लगाओगे बाकी काम यही करना है सारे क्वेश्चंस में यही करना है तो हो गए सिंपल वाले जो ये हैं जो मतलब सबसे ज्यादा जब भी इंपॉर्टेंट यही है ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाने का बॉन्डेड कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी दे दे तो हमें पता होना चाहिए एक आध क्वेश्चन ऐसी में प्रैक्टिस होनी चाहिए बाकी सिंपल जब क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा दे देता है कोई भी एरिया कॉमन नहीं बस यही क्वेश्चन है इन्हीं तीन चार प्रकार के क्वेश्चन एक ही एक्सरसाइज है सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं अब खुद से एक दो क्वेश्चन जरूर लगा लेना तभी अच्छे से रिवाइज होगा मैंने ये लगवाएं उसके अलावा एक एक दो दो क्वेश्चन अपने मन से लगाना जो बिल्कुल नए हो और फिर लगा लेना बस एक दो क्वेश्चन लगा लोगे आपको पक्का रिवीजन हो जाएगा गारंटी ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर तो मन से इसको कंप्लीट कर लेना भाई ठीक है अगला वन शॉट हम लोग प्रोबेबिलिटी का रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है वो वो आपको मिल ही जाएगा अगले संडे तक अभी टाइम है अपने पास खूब सारा टाइम है तब तक आराम से सारे वन शॉट आपको कंप्लीट हो जाएंगे लास्ट वन शॉट है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे विधिवत पूरा जितना भी लंबा होगा थोड़ा सा लेंथी रहेगा ये तो सिंपल था छोटा सा था तो इसको मन से सारे लोग एक बार कंप्लीट कर लेना मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वन शॉट ठीक है और जो भी आपके डाउट है वो आप लाइव क्लास हम लोग की रहती है वहाँ पर आप थोड़ा डिस्कस कर लेना अगर किसी भी चीज़ में डाउट रह जाए बाकी सारे लोग जरूर मुझे बताना कि कैसा लगा क्लास को शेयर कर लेना लाइक कर लेना मिलते हैं अगली क्लास में टाटा बाय